नंबर 18.1, इसमें हम बनाएंगे पेटी कैश बुक। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ पेटी कैश ट्रांजेक्शन ऑफ जैक फील्ड लिमिटेड फॉर मई 2008। ठीक है, मे फर्स्ट रिसीव फ्रॉम कैशियर 300 एज पेटी कैश फ्लोट। ठीक, इसके बाद फिर ये पेमेंट्स हो रही है सारी ना, पोस्टेज, ट्रैवलिंग, क्लीनिंग, पेट्रोल। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या है? रूल ऑफ सूटेबल पेटी कैश बुक, एनालिसिस कॉलम फॉर एक्सपेंडिचर ऑन क्लीनिंग, मोटर एक्सपेंस, पोस्टेज, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग। एंटर मंथ एंड ट्रांजेक्शन, फिर एंटर द रिसिप्ट ऑफ अमाउंट नेसेसरी टू रिस्टोर द इम्प्रेस्ड, कैरी डाउन द बैलेंस फॉर द कमेंसमेंट ऑफ फॉलोइंग मंथ। मतलब वही क्लोजिंग बैलेंस एंड भी कर लीजिए। ठीक है, पहले कैश बुक बनाएंगे। कैश बुक बनेंगे कुछ इस तरह की, इसकी ये इसका फॉर्मेट है। अच्छा, इसमें देखिए पहले ये इसको समझ लें। यहां तक रिसिप्ट से लेकर टोटल पेमेंट तक ये कॉलम आपके फिक्स होते हैं। जब भी पेटी कैश बुक बनाएंगे ये कॉलम सब बनेंगे। ठीक, फिक्स है। इसके बाद के जो कॉलम्स हैं क्लीनिंग से लेकर ट्रैवलिंग तक, ये डिपेंड करेगा कि आपके एक्सपेंस कौन कौन से हैं। हर एक्सपेंस के कॉलम बन जाए। तो यहाँ फिलहाल क्वेश्चन में इसने मेंशन कर दिया था कि आपको कौन से कॉलम बनाने हैं, क्लीनिंग, मोटर एक्सपेंस, पोस्टेज, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग। ठीक है, तो ये कॉलम फिक्स नहीं होते, ये डिपेंड करता है आपके एक्सपेंसेस पर। हाँ ठीक है, रिक्वायरमेंट पे आपके एक्सपेंस में, तो हर एक्सपेंस का एक कॉलम बन जाता है। ठीक, चाहिए हो गया इसका कंप्लीट फॉर्मेट। ट्रैवलिंग लास्ट ही है ना। ठीक, आप क्वेश्चन तो कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, पहले 300 रिसीव हो रहे हैं ये रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ रिसेप्ट के कॉलम में हम लिखेंगे 300, डेट आ जाएगी मई 1, और डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे कैश, कैश रिसीव हुआ। इसके बाद अब पेमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, फर्स्ट पेमेंट है पोस्टेज, पोस्टेज हमने की है 18 पाउंड। यहाँ पे लिखेंगे डेट मई 2, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा पोस्टेज, एक्सपेंस का नाम। अच्छा, यहाँ भी होता है कि हर पेमेंट से पहले वाउचर बनेगा, किसको पेमेंट की, कितने की, क्यों की, ना सारी डिटेल्स उसमें मेंशन होती है। और पेमेंट हो रही है 18 की, और उसके बाद इसको पोस्टेज के कॉलम में भी रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, हर पेमेंट 2 बार रिकॉर्ड होगी, एक बार पेमेंट नहीं, हर पेमेंट 2 बार यहाँ लिखेंगे, एक बार टोटल पेमेंट के कॉलम में और दूसरी बार एक्सपेंस के कॉलम में रिकॉर्ड कर सर रहे हैं। जब डिस्क्रिप्शन में हम लिख इसको रहे हैं, डबल डिस्क्रिप्शन एंट्री नहीं बोलेंगे। हाँ में हम लिख रहे हैं कि किस चीज के इस्तेमाल हो रहा है, तो बाकी कॉलम बनाने की जरूरत है। असल तो वही कॉलम है, जितना जरूरी थोड़ी होता, असल ये है। इसके बाद है पोस्टेज के बाद ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग की हमने 12 पाउंड पे किए, तो यहाँ डेट आ जाएगी। इसके डेट क्या है में ट्रैवलिंग, तो यहाँ ट्रैवलिंग लिख देते हैं। सेकेंड वाउचर बनेगा और अमाउंट कितना है, 12 पाउंड है, और ये ट्रैवलिंग के कॉलम में इसको रिकॉर्ड कर देंगे 12 पाउंड। इसके बाद है फिर क्लीनिंग, क्लीन करवाई हमने, 15 पाउंड पे किए मई 4, वाउचर बन गया, अमाउंट कितना है 15, और क्लीनिंग कॉलम में लिख लेंगे 15। नेक्स्ट है पेट्रोल फॉर डिलीवरी मैन 22 मई 7, यहाँ लिखेंगे पेट्रोल 20, तो वाउचर बनेगा 4 22। अच्छा, अभी ये किस कॉलम में जाएगा, मोटर एक्सपेंस में, क्योंकि मोटर पेट्रोल जो है गाड़ी में डलवाते हैं, मोटर व्हीकल, मोटर एक्सपेंस। ट्रैवलिंग के बाद है, अच्छा फिर ट्रैवलिंग है, पेट्रोल के बाद ट्रैवलिंग की हमने 25 पाउंड पे किए 8, ट्रैवलिंग वाउचर बन गया 25 पाउंड, और ये ट्रैवलिंग के कॉलम में इसको रिकॉर्ड। नेक्स्ट है स्टेशनरी बाई की हमने 17 पाउंड की, तो मई 9, स्टेशनरी
स्टेशनरी वाउचर 6 में अमाउंट 17 और ये स्टेशनरी के कॉलम में 17। नेक्स्ट 11 को हमने क्लीनिंग करवाई, 18 पाउंड पे किए में 11, नहीं वाउचर 7 कितने 18 पाउंड और ये क्लीनिंग के कॉलम में। नेक्स्ट है पोस्टेज, पोस्टेज हमने किए 14 मई को, 14 का वाउचर बन गया 14 पाउंड और ये पोस्टेज में चला जाएगा 14। नेक्स्ट ट्रैवलिंग की हमने 8 पाउंड पे किए मई 15 को, ट्रैवलिंग बन गया 15 और ट्रैवलिंग के कॉलम में। नेक्स्ट स्टेशनरी बाइक की हमने नहीं क्या था ये 18 और ये ना 89 स्टेशनरी बाइक की 9 पाउंड की रेट क्या है। अमाउंट गलत लगी फोर्स तीन में हमने ट्रैवलिंग में 8 है अमाउंट गलत लगी है 8 आता है पोस्टेज में भी 8 से पहले 5 था पोस्टेज में 14 क्या भाई ठीक है 18 था 5 8 अब स्टेशनरी बाइक की 9 है वाउचर बन गया अमाउंट कितना है 9 पाउंड और स्टेशनरी में आ जाएगा जब फिर 18 में क्लीनिंग करवाए 33 पाउंड तो वाउचर बन गया 18 है ना 20 20th को postage 13 pound 20 postage 13 और postage में आ जाएगा 3 जो ना फॉर्मूला लगा हुआ है फॉर्मूला है ऑटो सम का ओवर टोटल हो रहा है 24 को फिर डिलीवरी वैन सर्विस 24 सर्विस लग जाता है यहाँ पे सर्विस करवाई हमने अमाउंट कितना 43 अभी किस में जाएगा मोटर एक्सपेंस में आ जाएगा गाड़ी की सर्विस करवाई पेट्रोल है पेट्रोल डलवाया हमने गाड़ी में कितना 21 का ये किसमें आएगा मोटर एक्सपेंस 21 हो गए। 27 को क्लीनिंग करवाई में 27 क्लीनिंग होटल बन गया अमाउंट कितना है 21 का 21 और ये क्लीनिंग में आ गया 21 उसके बाद 29 पेट्रोल पेट्रोल डलवाया 14 का मई 30 पेट्रोल आ गया 14 और ये मोटर एक्सपेंस में आ जाएगा 40 ठीक है। चलिए तो हमने ट्रांजेक्शन यहाँ पोस्ट कर दी आप मंथ एंड हो गया अच्छा मंथ एंड में क्या करेंगे हम इसकी वही क्लोजिंग बैलेंसिंग होगी। अच्छा अब इसमें देखिए रिसीव कितने किए थे हमने 300 रिसीव किए थे अच्छा और पे कितने किए टोटल पेमेंट्स 286 है ना तो कुछ बैलेंस बचेगा तो इसमें क्लोजिंग बैलेंसिंग उसी तरह होगी रिसिप्ट साइड ज्यादा है 300 तो 300 लिखेंगे पेमेंट साइड पे
और इसमें से 286 माइनस करेंगे 14 का बैलेंस आ जाएगा कैरी डाउन, और ये नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट पे ब्रॉड डाउन हो जाएगा, रिसिप्ट साइड पे ब्रॉड डाउन हो जाएगा 14, कैरी डाउन आया इधर और ये ब्रॉड डाउन हो गया जून फर्स्ट पे। अच्छा अब नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट पे रिइंबर्स कितने होंगे, कितना अमाउंट, 286 जितने एक्सपेंस हुए उतने अमाउंट रिइंबर्स हो जाएगा, ये रिसिप्ट साइड पे आ जाएंगे 286, और फिर उसका बैलेंस रिस्टोर होके 300 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी पेटी कैश बुक हमारी कंप्लीट। अच्छा इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये हमने पेटी कैश बुक कंप्लीट की, जिसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये जो एक्सपेंसेस का टोटल किया ना हमने, अब हमने जो एक्सपेंसेस के कॉलम्स का टोटल किया है, ये टोटल अब हम पोस्ट करेंगे जर्नल लेजर में। जर्नल लेजर में हर एक्सपेंस का एक टी अकाउंट बनेगा, और जो टोटल आ रहा है वो टोटल हम टी अकाउंट में पोस्ट करें मंथ एंड पर। तो कुछ इस तरह से आपके जर्नल लेजर में टी अकाउंट बनेंगे और यहाँ पे पोस्टिंग होगी। डेट लिख लेते हैं हम May 21, डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे पेटी कैश, और ये डेबिट हो जाएगा 77 से। ठीक लेकिन है, एंट्री क्या होती है एक्सपेंस की, एक्सपेंस डेबिट पेटी कैश क्रेडिट, आपके एक्सपेंसेस सब डेबिट हो जाएंगे। लिखेंगे May 31, डिस्क्रिप्शन है पेटी कैश, और ये 97 से डेबिट हो जाएगा। इसी तरह से ये बाकी अकाउंट्स बनेंगे, बना लेते हैं, मैंने भी बनाए थे और बना देते हैं। टोटल कितने कॉलम थे, तीन अकाउंट्स और बनेंगे। अच्छा टोटल 5 है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज कर देंगे। इसके बाद क्या था, यहाँ से देखिए मोटर एक्सप्रेस के बाद क्लीनिंग तो पहला आ गया ना, स्टेज है स्टेशनरी ट्रैवल। अब इनका टोटल देख लेते हैं, पोस्टेज पहले, पोस्टेज है स्टेशनरी ट्रैवलिंग 41, 26 और 45, याद रखिए लिखते हैं 41, 26, 26 और 45। बाकी वो डेट डिस्क्रिप्शन आ जाएंगे इसके अंदर सेम, इसे मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता। ठीक है, इस तरह ये मंथ एंड पे हम लेजर में पोस्ट कर देते हैं हर एक्सपेंस का टोटल, लेजर में पोस्ट हो जाएगा, इसको फिर डिलीट कर देते हैं। नहीं नहीं, पेटी कैश का लेजर नहीं होगा, पेटी कैश का कोई लेजर नहीं होगा, एक्सपेंसेस के लेजर बनने होगा। हाँ, नहीं लेजर में नहीं होगा, बस यहाँ पे एक्सपेंस पोस्ट होंगे। हाँ बस ये पोस्ट हो गया, बैलेंस हो तो गया ना, भैया हमने बैलेंस कर लिया, टोटल हो गया, कैरी डाउन आ गया, ब्रॉड डाउन आ गया, लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो ये हाँ जब यहाँ पे शो करेंगे, यहाँ क्लोजिंग बैलेंसिंग हो गई, उसके बाद फिर मंथ एंड पे आप लेजर्स में इसको पोस्ट कर देते हैं, इसके साथ ये आपकी पेटी कैश बुक कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा एक स्टेप और है भी इसमें, ओके अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। ठीक है, अच्छा कॉलम ये रफ्ते एक बना लेते हैं, डेट डिस्क्रिप्शन इसके बाद एक उस रेफरेंस का कॉलम होता है, और ये डेबिट अच्छे से रिलेटेड ये एंट्रीज है, तीन एंट्रीज बनेंगी इसकी, जर्नल एंट्रीज है बनाते हैं। पहली एंट्री होगी फर्स्ट मई को, मई फर्स्ट, अच्छा मई फर्स्ट को 300 कैश रिसीव हो रहा है, उसको आप लिखेंगे पेटी कैश डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। 300 से पेटी कैश डेबिट और 300 से कैश क्रेडिट
एडेड हो जाएगा। ये 300 कैश रिसीव हुआ, उसकी एंट्री होगी मई फर्स्ट पे। अच्छा, इसके बाद मंथ एंड पर 31 मई पे अब हमने जो एक्सपेंसेस पे किए थे वो रिकॉर्ड होंगे। पहला एक्सपेंस कौन सा था? क्लीनिंग। एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस डेबिट होते हैं ना, क्लीनिंग एक्सपेंस डेबिट होगा। फिर कौन सा था? मोटर, मोटर एक्सपेंस, पोस्टेज, ट्रैवलिंग, स्टेशनरी। क्या बोला? ओके, और पीटी कैश हो जाएगा क्रेडिट। जिसके अमाउंट बताएं, अमाउंट बताएं, अमाउंट 77 क्लीनिंग का टोटल कितना है? 77। मोटर एक्सपेंस, पोस्टेज 41, ट्रैवलिंग, स्टेशनरी 26, और इसका टोटल हो जाएगा 286। ये एक्सपेंसेस की एंट्री हो जाएगी, एक्सपेंस डेबिट और पीटी कैश क्रेडिट। अच्छा, अब नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट पे रिमबर्स होंगे, तो जून फर्स्ट। अब रिमबर्स कितने होंगे? 286, तो उसकी एंट्री होगी वो सेम, पीटी कैश डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा 286, 286। ठीक है, राइट। तो ये इसके रिलेटेड तीन एंट्रीज है, जर्नल एंट्रीज। अच्छा, एक पॉइंट और है, वो नोटिंग टर्म है जहाँ यूज होगी। अच्छा, पीडी कैश से नॉर्मली हम जो एक्सपेंसेस होते हैं वही पे करते हैं ना डेली के। बाज ऑफ ऐसा भी होता है किसी एम्प्लॉय को कुछ छोटा मोटा अमाउंट चाहिए होता है एज एन एडवांस। जैसे भी आप बाइक पे ऑफिस आए और आपका पेट्रोल खत्म हो गया, आपके पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, मंथ एंड चल रहा था, तो आपने पीडी कैशर से 2-4-500 रुपए, 1,000-1,500 रुपए ले लिए कि भाई एक दो दिन में वापस कर देंगे। या बस में आ रहे थे, जेब कट गई, आपके वॉलेट निकाल लिया किसी ने, वापसी का रेंट चाहिए आपको, ठीक है, राइट। तो अगर कोई छोटा मोटा अमाउंट एडवांस चाहिए होता है तो वो भी पीटी कैश से दे दिया जाता है, ठीक है। और जो भी क्या कुछ नहीं, एडवांस ही कहेंगे, और फिर वो पैसे जो एम्प्लॉय कुछ दिन बाद पीटी कैशर को वापस कर देता है। वो सैलरी इसमें थोड़ी आएगी, सैलरी क्यों आएगी इसमें? वो कैशियर देगा ना, पीटी कैश थोड़ी देगा, ठीक है। छोटा मोटा एक्सपेंस, ठीक है। आप आ रहे थे बाइक पे, आप रास्ते में किसी ने आपको लूट लिया, मोबाइल भी गया, वॉलेट भी गया, पैसे गए, अब ठीक है, फिर आप पीटी कैशर से जो है छोटा मोटा अमाउंट एडवांस ले लेते हैं। अच्छा, जब भी कोई अमाउंट एडवांस लेंगे तो उसका भी एक डॉक्यूमेंट बनेगा, पीटी कैशर डॉक्यूमेंट बनाएगा, किस एम्प्लॉय को पे किए, कितना अमाउंट पे किया, उसके साइन वगैरह लेके एक रिटेन में रख लेगा प्रूफ अपने पास, ठीक है। अच्छा, वो जो डॉक्यूमेंट बनेगा वो कहलाता है, फिर उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं IOU, IOU, जी बिल्कुल। पेबल किसके लिए? उधार है नहीं, रिसीवेबल में दे रहे हैं, राइट। हाँ, जब भी किसी एम्प्लॉय को पेटी कैश बुक से एडवांस देंगे उस वक्त जो डॉक्यूमेंट बनेगा वो कहलाएगा IOU, ठीक है। और ये अमाउंट जो है वो जो भी एम्प्लॉय एडवांस लेगा वो खुद पेटी कैशर को रिटर्न करेगा। अच्छा, सपोज कर लें कि आपका पेटी कैश फ्लोट है, पेटी कैश फ्लोट है आपका सपोज 5,000 का, ठीक है। एक्सपेंस हुए आपके टोटल एक्सपेंसेस
टोटल एक्सपेंस आपने किए 4,000 के, और IOU आपने यानी कि एडवांसेस दिए एम्प्लॉयज को 500 एडवांस दिया, ठीक है। मंथ एंड पे बैलेंस कितना बचेगा? 500 बैलेंस बच जाएगा ना आपके पास, तो मंथ एंड पे बैलेंस कितना बचेगा? 500। अच्छा ये बताएं कि नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट पर इसको रिइंबर्स कितने होंगे, कितना अमाउंट रिइंबर्स होगा? 4,000। ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट पे रिइंबर्स कितने होंगे? जितने एक्सपेंसेस होंगे उतने अमाउंट रिइंबर्स हो जाएगा, बाकी जो 500 जिसने एडवांस लिए होंगे वही एम्प्लॉय पीटी कैशर को वापस करेगा, वो अलग कहानी है, वो जब भी देगा ना दे देगा ना अगले महीने। आईयूयू में मेंशन होगा ना, इसमें मेंशन नहीं होगा, आईयूयू डॉक्यूमेंट का नाम है। अब एग्जाम गेट से कुछ कर लेते हैं पेटी कैश से रिलेटेड। कैफे वन जापान की एग्जाम गेट, इसमें इसने दो टॉपिक के क्वेश्चन एक साथ दिए, बैंकिंग एंड पेटी कैश। तो बैंकिंग अभी हमने पढ़ा नहीं है, बाद में पढ़ेंगे, ये थ्योरी का चैप्टर है। फिलहाल इसमें से हम पेटी कैश के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। अच्छा ये एक आपका बैंक का खैर क्वेश्चन ही कर लेते हैं, ये पेटी कैश का क्वेश्चन नहीं है, बैंक से रिलेटेड है, बैंक का टी अकाउंट बनेगा, इसमें सॉल्व कर लेते हैं। टी अकाउंट हमने बनाया हुआ है ना। अच्छा कैबिनेट बैंक ओवरड्राफ्ट 500 एट January 1 His only transaction during that month were sales of goods for cash 900 and purchase of goods on credit 700 at January 31st. What will be the balance on Kevin's cash at bank account? जी क्या आंसर होगा? देखिए ओवरड्राफ्ट है 500, क्रेडिट पे आएगा 900 की गुड्स सेल हो रही है डेबिट, 700 की परचेज है क्रेडिट पर, ये नहीं आएंगी, क्रेडिट परचेज है, इसकी एंट्री क्या होगी? परचेज डेबिट अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट, तो बैंक में एंट्री नहीं आएगी। तो 500 ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, 900 डेबिट, बैलेंस आ गया 400, डेबिट बैलेंस होगा, तो आंसर हो जाएगा 400 डेबिट, तो उसमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं हम, 68। अच्छा ट्रांजेक्शन वुड नॉट बी क्लासिफाइड एज कैश ट्रांजेक्शन, सो द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज, ये कैश परचेज हो नहीं, पहली वाली कैश ट्रांजेक्शन है। अच्छा कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में डिफरेंस क्या होता है? कैश ट्रांजेक्शन जब आप ऑन द स्पॉट पेमेंट हो जाए, अब पेमेंट चाहे कैश के फॉर्म में हो, चेक के फॉर्म में हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कुछ भी हो, ऑन द स्पॉट पे कर रहे हैं तो कैश ट्रांजेक्शन, और जहां आपकी पेमेंट डिले होगी पोस्टपोन वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। फर्स्ट वाली आपकी कैश ट्रांजेक्शन है, इमीडिएट पेमेंट हो रही है। बी सेल ऑफ 4 शेयर्स टू मिस्टर जॉन हु विल पे नेक्स्ट वीक, ये आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सी ट्रांसफर फ्रॉम बैंक डिपॉजिट अकाउंट टू बैंक करंट अकाउंट, ये भी कैश ट्रांसफर हो रहा है, कैश ट्रांजेक्शन हो गई। टेकिंग प्लेस इन द शॉप टिल थ्रू आउट द डे, ये भी आपकी कैश ट्रांजेक्शन हो गई, पूरा दिन आप सेल कर रहे हैं पैसे आ रहे हैं, तो आंसर बी हो जाए, नॉट अ कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है बी आंसर, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये बैंकिंग क्वेश्चंस हैं, ये सब बैंकिंग के क्वेश्चन है, ये बातें पढ़ेंगे हम से। हाँ भी जो पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ये सारी टर्म्स स्टैंडिंग ऑर्डर वगैरह सब पढ़ेंगे, बैंकिंग सिस्टम है। नहीं क्वेश्चन नंबर 86 ये पेटी कैश से रिलेटेड है। 86
अच्छा, ऑन अ पर्टिकुलर डे कैश रजिस्टर इन शॉप शोज दैट कैश सेल्स वर मेड ऑफ 1073.21। अच्छा, ये एज पर रजिस्टर यानी कि रिकॉर्ड के मुताबिक कैश कितना है, 1073 की कैश सेल्स है। अच्छा, कैश इन द टिल एट द एंड ऑफ द डे टोटल 1318.76 एंड अ कैश फ्लोट ऑफ 250 इज ऑलवेज कैरिड इन द टिल। अच्छा जी, इसमें देखें इसका देखिए फ्लोट कितना है, 250 है, और टोटल सेल कितनी हो रही है, कैश सेल्स 1073.21। कैश टिल में कितना होना चाहिए था, 1323, 1323.21 कैश होना चाहिए था उसके पास टिल में ना, लेकिन कैश है कितना, 1318.76। देखिए 23 होना था, 18 है, कम है, तकरीबन $5 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, अब आपको यही बताने कि $5 कहाँ गए। पूछ के विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ वैलिड रीजन, अच्छा नॉट अ रीजन बताने फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश इन द टिल एंड कैश रजिस्टर रिकॉर्ड्स। ठीक है, डिफरेंस आने की रीजन जो नहीं है वो बताने। अच्छा, ऑल ऑफ द कैश रिसीव वॉज नॉट पेड इन टू द टिल, तो ये तो रीजन है, कस्टमर से कैश लिया आपने, $5 जेब में रखे, बाकी ड्रॉर में डाल दिए, डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो एक ही वजह से तो डिफरेंस आएगा। अ कस्टमर वाज गिवन टू मच चेंज, कस्टमर को आपने $5 ज्यादा दे दिए, डिफरेंस कैलकुलेट काउंट करने में मिस्टेक हो गई, $5 ज्यादा चले गए तो आपका कैश कम हो जाएगा, डिफरेंस आएगा। अच्छा, प्राइस फॉर गुड्स एंटर्ड इनटू द कैश रजिस्टर बॉस हायर देन दैट चार्ज टू द कस्टमर। कस्टमर को सेल किया आपने सपोज 100 की, और एंट्री आपने अपने पास बनाई रजिस्टर में 80 से, नहीं एंट्री बहुत हायर 120 से, रजिस्टर में आपने सेल आपने की 100 की, ठीक है, $100 मिले आपने ड्रॉर में रख दिए, और रिकॉर्ड में आपने क्या लिखा, 120, तो ये रीजन नहीं है क्योंकि इससे आपका कैश कम हो रहा है। हाँ एक मिनट, इससे आपका नहीं, ये भी रीजन है ना, रिकॉर्ड आपने किया, एंट्री आपने बनाई 120 से, और कैश आपने लिया 100 का, तो ड्रॉअर में कैश कम होगा, रिकॉर्ड में आपका कैश ज्यादा, तो ये भी रीजन हो गई कि रिकॉर्ड के मुताबिक कैश ज्यादा बन रहा है, ड्रॉअर में कैश आपका कम है। अच्छा, प्राइस फॉर गुड्स एंटर्ड इनटू द रजिस्टर कैश रजिस्टर इज लोअर देन चार्ज टू द कस्टमर। कस्टमर को चार्ज किया आपने 100, $100 लेके ड्रॉर में रख दिए, और रजिस्टर में एंट्री आपने की $80 से, तो एक्चुअल में कैश ज्यादा होना चाहिए था और रिकॉर्ड में बैलेंस कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ रिकॉर्ड ज्यादा शो कर रहा है, एक्चुअल कम है, तो डी आंसर नहीं होगा, डी आंसर हो जाएगा, मतलब रीजन नहीं है। तो डी की वजह से क्या होगा, कैश ज्यादा होगा, रिकॉर्ड में कम आना चाहिए, लेकिन यहाँ रिकॉर्ड ज्यादा शो कर रहा है बैलेंस, और कैश इन हैंड कम, तो डी आंसर हो जाएगा करेक्ट इसका। ठीक है, ये पर बाद में करेंगे क्वेश्चंस। 89, 89 पेटी कैश सिस्टम ऑपरेट 120 इंप्रेस सिस्टम एट द एंड ऑफ द मंथ देयर इज 67.23 ऑफ वैलिड पेटी कैश वाउचर। अच्छा, यहाँ वाउचर मतलब क्या, आपने पेमेंट्स किए ना, क्योंकि हर पेमेंट के टाइम पे वाउचर बनता है। How much cash should be taken out of the bank account in order to restore it to the correct amount? ये तो बहुत आसान। ऑप्शन ऑप्शन आंखें बंद करके भी नहीं ए। हाँ जी, तो आंसर बताए ना, आंसर बताए, समझाना नहीं आंसर बताना, तो आंसर क्या होगा, ठीक ठीक कह रहे हैं, आंसर बताएं, आप कह रहे हैं बी, बाकी बताएं, जितने खर्च करेगा उतने रिइंबर्स होंगे ना, एक्सपेंस कितने है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ना, ए थोड़ी होगा, ए तो बैलेंस बचेगा उसके पास, ए तो बैलेंस बचेगा, रिइंबर्स कितने होंगे, बी 67, जितने एक्सपेंस होते हैं उतने रिइंबर्स होते हैं, तो बी करेक्ट आंसर। 90,
जो द एडवांस 20 टेकन आउट ऑफ पेटी कैश बॉक्स बाय एन एम्प्लॉय फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ फॉर अ क्लाइंट, ठीक है, एन ऑथोराइज वाउचर फॉर 20 पुट इनटू द पेटी कैश, ठीक है, एम्प्लॉय ओनली स्पेंड 17.65 ऑन रिफ्रेशमेंट। अच्छा, कुछ पैसे बच गए, 20 लेकर गया था, सामान कम का आया, तो अब क्या होना चाहिए, व्हाट इज द पेटी कैश प्रोसीजर रिक्वायर्ड। हाँ, अब क्या होना चाहिए प्रोसीजर, इसका जेब में रख ले, वापस कर दे, आधे आधे कर ले, ऑप्शन बताएं क्या होना चाहिए। हाँ, वाउचर तो बना हुआ है, अब उनके पास ऑप्शन है, वो आधे आधे भी कर सकते हैं, दोनों जेब में भी रख सकता है, झूठ बोल सकता है, तो वो तो खैर क्या क्या हो सकता है, अलग बात है, होना क्या चाहिए एक्चुअल में वो बताएं। होना क्या चाहिए, पैसे वो रिटर्न करें और वाउचर जो आपने 20 लेकर उसको काट के आप 17.65 करें, तो डी आंसर हो जाएगा कि वो रिटर्न करें और उसको आप 20 को कट करके 17.65 लिखते हैं, उसको ऑल्टर कर, बाकी होता क्या है वो एक अलग इशू, डी आंसर हो जाएगा। अभी हम किताबी बातें कर रहे हैं प्लस, तो के मुताबिक डी आंसर है, बाकी प्रैक्टिकली क्या होगा आपको पता है क्या होगा, ये पे रख लेगा खत्म, या दोनों आधे आधे कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, 9 91, अच्छा यहाँ भी वो डिफरेंस आ रहे हैं, डिफरेंस की बात कर रहे हैं, देखें 100 उसका फ्लोट है, एक्सपेंस वाउचर कितने के 36.58 प्लस बैलेंस कितना है, अच्छा ये बैलेंस था और ये वाउचर है 53. टोटल बन रहा है 90 और फ्लोट था 100 का, $10 गायब हो गए, $10 की शॉर्टेज है, ठीक है, $10 की शॉर्टेज। अब इसमें भी वही नॉट अ वैलिड रीजन बता रहे, अच्छा इसमें क्या आपके पास बैलेंस आपका कम है ना, बैलेंस ज्यादा होना चाहिए था, कम है। अच्छा, मनी हैड बीन टेकन आउट ऑफ द पेटी कैश बॉक्स विदाउट एन ऑथराइज्ड वाउचर टू सपोर्ट इट, ये रीजन है, पैसे निकाल लिए आपने वाउचर नहीं बनाया, सही है। इनकरेक्ट अमाउंट ऑफ कैश हैड बीन पेड आउट ऑफ पेटी कैश बॉक्स इन फॉर एन ऑथराइज्ड वाउचर, वाउचर पे कुछ और था, पे कुछ और कर दिया, डिफरेंस आएगा। पेटी कैश वाउचर हैड बीन मेड आउट फॉर द रॉन्ग अमाउंट बट द अमाउंट कैश ऑफ कैश पेड एग्री विद द वाउचर, डिफरेंस आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, लेकिन वाउचर आपने बनाया गलत अमाउंट का, लेकिन पे भी गलत अमाउंट ही किया, जैसे सपोज वाउचर बनना था 120 का, वाउचर बनाया आपने 102 का और डीए भी कितने है 102, डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, डी है पेडी कैश वाउचर हैज बीन मेड आउट फॉर द रॉन्ग अमाउंट बट द करेक्ट अमाउंट ऑफ कैश हैज बीन पेड आउट, तो डिफरेंस आएगा, तो आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सी की वजह से डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक। 92 कैलकुलेशन है छोटी सी, हलवा पड़ रहा है, जर्दा जरूर रखा है, छोटे वाली 92। अच्छा, लिखे हेनरी इज प्रिपेयरिंग अ बैंक पेइंग इन स्लिप एट द एंड ऑफ द डे इन द शॉप। अच्छा, ये पेइंग इन स्लिप ये क्या होती है, डॉक्यूमेंट होता है ये भी, क्या होता है, कहाँ यूज होता है, कब यूज होता है, कुछ आइडिया, बैंक गए कभी आप लोग, बैंक में कैश या चेक डिपॉजिट करवाया, तो वहां एक स्लिप मिलती है डिपॉजिट, जिसको डिपॉजिट स्लिप भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है डिपॉजिट स्लिप, या इसको पेइंग इन स्लिप भी कहते हैं, तो डिपॉजिट स्लिप का दूसरा नाम पेइंग इन स्लिप, ठीक है। जब बैंक में कैश डिपॉजिट कराते हैं तो एक स्लिप देता है, उसको आप फिल करते हैं, उस पर नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, अपना अमाउंट अकाउंट नंबर लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, फिर उसको देंगे, फिर वो उसको पढ़ के आपके अकाउंट में पोस्ट करेगा, पैसे लेगा, ठीक है। अब वो डिपॉजिट मशीन पे आ गई, सीडीएम एटीएम होती है ना, अब वो आगे सीडीएम आ, कैश डिपॉजिट मशीन, एटीएम मशीन के साथ ही होती है, वहीं जाके आप कैश लेके जाए,
इसमें कैश डालें वो डिपॉजिट हो जाएगा। कम है अभी आ रही है, कम है कम है, लेकिन ये आ जाएंगे सब जगह एटीएमओ के साथ सीडीएम। यही तो जाने कि बैंक के एम्प्लॉय कम से कम हो जाए ताकि सैलरी उनकी बच जाए, ब्रांचेस कम हो जाएंगी, एम्प्लॉयज कम हो जाएंगे, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, सारे एम्प्लॉय सारे सब सब ऐसे ही होगा, ऐसा ऐसा यही होना है, यही होना है। अच्छा अब ठीक है, जब बैंक में आपने डिपॉजिट करवाने, अच्छा ये लिखा है हिज टिल रोल शोज अ सेल। अच्छा टिल रोल क्या होता है? अब टिल रोल नहीं, कैश टिल तो होती है जिसमें कैश रखा जाता है उसको कैश टिल कहते हैं। टिल रोल क्या हो भाई, किसको घुमाता रोल हो जाएगा। देखिए होता क्या है, जब भी आप देखें किसी स्टोर वगैरह पे शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आपका बिल बनता है तो एक वो लिस्ट बिल पूरा निकलता है ना, स्लिप स्लिप निकाल के देता है, वो तो कस्टमर को दे रहा होता है डेली के स्लिप निकाल के ना कि क्या क्या खरीदा आपने, टोटल बिल कितना है। फिर ये होता है जब डे एंड होता है, डे एंड पे जब क्लोजिंग का टाइम आता है तो फिर एक लिस्ट निकलती है उस मशीन में से कि सुबह से लेके शाम तक आपने कौन कौन से आइटम सेल किए, अमाउंट सारे, और आखिर में उसका टोटल आ जाता है, उससे आपको पता चलता है आपकी टोटल सेल कितनी थी। ठीक, उस लिस्ट को आप रोल बना के रिकॉर्ड में रख लेते हैं, उसे कहते हैं टेल रोल, लिस्ट पूरे दिन की होती है। ठीक है, तो पूरे दिन की लिस्ट निकलती है मशीन से सुबह से लेकर शाम तक, उसका रोल बना के आप रख लेते हैं, जो टॉपिक है सबसे फेवरेट है इसका, उसे कहते हैं टेल रोल। हाँ बस ये कुछ भी नहीं है। अच्छा आप ये बताएंगे उसने बैंक में डिपॉजिट कितने करवाएगा, बैंक में डिपॉजिट कितने करवाएगा, 173 जी। आप इसमें बताएं फ्लोर 25 का है, 193 की सेल हो रही है, $20 वो अपने वेजेस निकालता है, तो बैंक में कितने डिपॉजिट करवाएगा। आंसर आएगा 173। ऐसे देखें दो तरीके से समझा देता हूँ, दोनों तरह। फ्लोट कितना था, 25 का, सेल्स कितनी की उसने, टोटल कैश हो गया। अब वो क्या करेगा, इसमें से 20 अपनी वेजेस निकालेगा, बैलेंस कितना रह गया, और अगले दिन के लिए 25 फ्लोट भी तो रखेगा, 25 फ्लोट के रख दिए, डिपॉजिट कितने हुए, 173। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, 25 को तो छोड़ दें आप, सेल कितनी हुई, 94, इसमें से $20 वो निकालेगा अपनी वेजेस के, डिपॉजिट कितने हुए, 173, $25 अपनी जगह पर रहे उसको आपने शेयर बस, तो इस तरह भी निकाल सकते हैं। सही, तो 173 वो बैंक में डिपॉजिट करवा देगा। ठीक है, चलें फिर यहीं पे ऑफ करते हैं, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे।